हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल माम एंड डैड। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डायपर रिलेटेड सारे सवालों की, क्योंकि जब हम बेबी डिलीवर्ड करते हैं तो एज ए मॉमी हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। बाहर से भी हमें बहुत सारी एडवाइस मिलती है कि ऐसा मत करो, बेबी के लिए बुरा होगा, ऐसा मत करो, बेबी के लिए अच्छा होगा। उन सब के बीच हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन में एक कंफ्यूजन होता है कि हम क्या बेबी को डायपर पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते हैं, कितना पहना सकते हैं। क्योंकि एज ए मॉमी जो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या डायपर ऐसे पहना सकते हैं, कब चेंज करना चाहिए, कैसे रैश फ्री अपने बेबी को हम रख सकते हैं, कौन सा डायपर अच्छा होगा, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस के जवाब एक ही वीडियो में देने वाली हूँ, जिससे कि आपको और कहीं सर्च ना करना पड़े डायपर रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइंड में जो आता है, क्योंकि बहुत सारी मॉमीज़ होती हैं जिन्हें अपने बेबी को रोज़ डायपर पहनाना पड़ता है, क्योंकि उनके केयर टेकर देख रहे होते हैं बेबी को, या कुछ प्रॉब्लम होती है, या वो अकेली रहती हैं। बहुत सारी मॉमीज़ के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है जब उन्हें अपने बेबी को रोज़ डायपर पहनाना पड़ता है, डेली पहनाना पड़ता है। तो उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या हम डायपर बेबी को पहना सकते हैं रोज़। हाँ, अगर ये क्वेश्चन है तो हाँ, हम बेबी को डायपर रोज़ पहना सकते हैं। बस उसमें कुछ हमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगी, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप बेबी को डायपर पहनाते हो तो उसे अच्छे से वॉश करो, अच्छे से उसे ड्राई होने दो, और अच्छे से उसे क्रीम लगाओ, और फिर आप डायपर को पहनाओ, तो कभी भी आपको डायपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरह से अगर डायपर को हाइजीन मेंटेन करके चलते हो तो आप बेबी को रोज़ डायपर पहना सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एडवाइस फ्री मिलती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, या हमारे बड़े भी होते हैं, क्योंकि उनके टाइम पर डायपर नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि रोज़ बेबी को डायपर नहीं पहनाना चाहिए, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो पॉटी ट्रेनिंग और पी ट्रेनिंग में लेट हो सकता है, या उसको नहीं बताएगा। तो ये सब मिथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम वाइज टाइम हम अगर बेबी को सब कुछ सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा बेबी अभी 17 मंथ का है, और वो मुझे अब, मैंने उसकी पॉटी ट्रेनिंग कर दी थी 14 मंथ से, मैंने उसको पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। 16 एंड तक उसने मुझे पॉटी का बताना शुरू कर दिया था। वो मुझे पॉटी का बता देता है जब भी उसे पॉटी फील होती है, वॉशरूम चला जाता है, या फिर अपने डायपर एरिया पर हाथ करता है, या कुछ भी साइन देता है जिससे मुझे पता चल जाता है कि इसको पॉटी आ रही है, और मैं उसको पॉटी शीट में बैठा देती हूँ। अभी उसकी पी ट्रेनिंग भी चल रही है, क्योंकि अभी मैंने उसको नाइट में डायपर वेयर करती हूँ, दिन में भी कर देती हूँ कभी कभी, बट अभी ये है कि मैं उसे डायपर फ्री रखती हूँ। बट इनिशियल मंथ में, लाइक 4-5 मंथ से मैंने उसको रेगुलर डायपर पहनाया था, और अभी 11 मंथ तक मैं उसे पहना रही थी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास और कोई हेल्पर नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेबी को देख सके, और उस टाइम पे बेबी पी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैंने पहनाया था। और टाइम टू टाइम आप उसे, बेबी को ट्रेनिंग देंगे तो सारी चीज़ें सीख जाएगा। तो ये एकदम मिथ है कि वो ये नहीं सीखेगा या डायपर से प्रॉब्लम हो सकती, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम हाइजीन मेंटेन करके चलें तो आप बेबी को रोज़ डायपर पहना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम डायपर कब चेंज करें। सो डायपर, हम अभी तो बहुत सारे डायपर आते हैं जिसमें इंडिकेटर होता है, लाइक अगर आपका डायपर भर गया है तो वो साइन, मतलब ग्रीन हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा। और ऐसे भी आप डायपर को सीज़न वाइज होता है, लाइक अगर रेनी सीज़न है तो आप डायपर को हर 2 घंटे 2.5 घंटे में चेंज करिए, क्योंकि उस समय बेबी को ज़्यादा गीले में रखना भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं। और कोशिश करिए कि रेनी सीज़न में आप डायपर को अवॉइड करके, जो क्लॉथ डायपर्स आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ भी कर रहे हैं डायपर रेनी सीज़न में रेगुलर, तो आप उसमें हाइजीन मेंटेन करिए।
और अगर समर में है तो आप बेबी को 4 से 5 घंटे में डायपर चेंज करते हो, वो बेबी टू बेबी वेरी करता है कि कितनी ज़्यादा पी करता है बेबी, बट ऐसे आप 4 से 5 घंटे में बेबी को डायपर चेंज कर सकते हो। विंटर्स में आप 3 से 4 घंटे में डायपर को चेंज कर सकते हो, या फिर आप देखो कि अगर डायपर हैवी हो रहा है या पूप करी है तो इमीडिएटली आप बेबी का डायपर चेंज करो और उसे अच्छे से क्लियर करके उसको दूसरा डायपर पहनाओ। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हम डायपर कौन सा चूज़ करें। सो डायपर बहुत सारे आते हैं मार्केट में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली कंपनी का डायपर यूज़ करो या वो वाली कंपनी का। वैसे दो डायपर जो मैंने यूज़ किए जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं वो है पैम्पर और वो है मैनी पोको पैंट। मैं आपको बता दूं कि आप अगर पैंट वाले डायपर के साथ जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें टेप का कोई प्रॉब्लम होता नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है बेबी को या टाइट हो गया या यहाँ से टाइट हो रहा है, मतलब ईज़ली पैंट वाला होगा तो आप ईज़ली वेयर करा सकते हो उसको, आपको बेबी को लिटाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे ही उसको पहना सकते हो। एक तो ये होता है पैंट वाले डायपर में। दूसरा, अगर डायपर आप चूज़ करते हो तो उसके साइज़ का बहुत ध्यान रखो कि कौन सा साइज़ मेरे बेबी को आ रहा है। उसमें वेट के अकॉर्डिंग डायपर्स मिलते हैं, तो आप उन वेट को देखो कि मेरे बेबी को कौन सा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप डायपर परचेज करो। कोशिश करो कि जैसे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप कोशिश करो कि नाइट के लिए ज़्यादा अच्छा डायपर ले लो, क्योंकि नाइट में हम इतना चेंज नहीं करते हैं, और मॉर्निंग के लिए आप थोड़े से कम वाले डायपर के साथ जा सकते हो। तो वो आपकी कॉल है कि आप कौन सा डायपर यूज़ करते हो। मेरे अकॉर्डिंग पैम्पर और मैनी पोको पैंट बहुत अच्छे डायपर हैं बेबीज़ के लिए। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि बेबी को डायपर रैश से कैसे बचाएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप बेबी को अच्छे से केयर करके हाइजीन मेंटेन करके डायपर पहना रहे हो तो कभी रैश नहीं आएंगे। मुझे याद है, मुझे तो याद ही नहीं कि मेरे बेबी को कभी रैश आए हो, और मैंने कोई डायपर क्रीम भी यूज़ नहीं करी। बस जस्ट आप बेबी को अच्छे से क्लीन करो, ड्राई करो, और अगर आप डायपर रैश क्रीम यूज़ करना चाहते हो, इनिशियल मंथ में मैंने डायपर रैश क्रीम जो यूज़ करी थी वो सेबा मेड की थी, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और मैं उसको अच्छे से जब बेबी को डायपर वॉश करती थी उसको ड्राई होने देती थी और क्रीम की एक लेयर लगाती थी सेबा मेड, और उसके बाद उसे डायपर पहना देती थी। बट सेबा मैट के बाद मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया और मुझे कोकोनट ऑयल के इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि मुझे और कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी पड़ी, और कभी भी मेरी बेबी को डायपर रैश की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप कोकोनट ऑयल के साथ भी जा सकते हो। कोकोनट ऑयल वैसे ही इतना कूल होता है, इतना स्टिकी भी नहीं होता है, तो बहुत अच्छे से हर जगह स्पेयर्ड हो जाता है, फैल जाता है अगर आप उसे थोड़ा सा, और बहुत मॉइस्चराइज हो जाती है बेबी की स्किन। तो कोकोनट ऑयल के साथ आप जा सकते हो, और अगर आप डायपर रैश क्रीम भी यूज़ करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी अच्छी कंपनी की डायपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैंने सेबा मेड की करी थी, और जो मॉमीज से मेरी बात होती है या जो मेरे ग्रुप में है वो सेटअप फिल की डायपर रैश क्रीम यूज़ करती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है, तो अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो तो आप बेशक वो भी ले सकते हो, और सेबामेड भी बहुत अच्छी है। और अगर नेचुरल वे में जाना चाहते हो तो आप कोकोनट ऑयल आराम से यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे बेबी को रैश नहीं आएंगे। अब बात होती है, ये सारे क्वेश्चंस तो हमें आ गए, बट अब बात होती है कि इनिशियल मंथ में, मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। इनिशियल मंथ में बेबी जब बहुत सारे पूप करते हैं तो इतने सारे डायपर को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम भी सोचते हैं कि डायपर थोड़े से एक्सपेंसिव भी आते हैं, हम सबको पता है। तो मैंने जो किया वो कर सकते हो, इनिशियल मंथ में मैंने 1-1.5 महीने अपने बेबी को कॉटन की नैपीज़ यूज़ करी थी, क्योंकि उस समय बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, हमें भी नहीं पता होता है कि किस चीज़ से बेबी को एलर्जी हो सकती है।
इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इतनी सेंसिटिव होती है, तो आप वो कॉटन की नैपी यूज़ कर सकते हो। आप उसको जैसे अगर बेबी ने पूप करी है तो आप उसको थ्रो कर दो, और अगर पी करी है तो आप उसे अच्छे से वॉश करो डिटर्जेंट में, फिर डिटॉल में डाल के उसे अच्छे से धूप में सुखाओ, जिससे उसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो निकल जाए। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप डायपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही होता है कि बेबी इनिशियल मंथ में इतना ज़्यादा पूप करते हैं कि डायपर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये डायपर रिलेटेड सारे क्वेश्चन है जो मेरे मन में भी आए। मैंने भी बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च किया, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली अपने बेबी की एज और उसके वेट और सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें चेंज करी अपने बेबी के रूटीन में। उससे अगर बड़ा डायपर जा रहा है तो वो पहनाया, उसको रैश क्रीम से बचा, मतलब रैश क्रीम ना लगा के कोकोनट ऑयल लगाया, पूरी हाइजीन मेंटेन करी जिससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो डायपर रिलेटेड जो मैंने आपसे शेयर किया। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मम्मीज़ के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय।